तो गाइस यार अभी सुबह हो चुकी है और मैं अभी उठ चुका हूँ। और गाइस यार शिनचैन की तो पार्टी अभी तक चल रही है। और गाइस यार कल रात को हम पार्टी कर रहे थे और लगता है शिनचैन अभी तक पार्टी कर जा रहा है। अबे शिनचैन पागल हो गया क्या? अरे विक्की मैं आ जाओ, गेम खेलते हैं। अबे कौन सा गेम खेलते, पार्टी बंद कर दे रही। अरे विक्की मैं नहीं, आज तो पूरा दिन पार्टी चलेगी। अरे कल रात से पार्टी चल रही है, अभी पूरा दिन और चलाएगा। अरे विक्की मैं आ जाओ, मजे आएंगे। अबे क्या मजे आएंगे यार शिनचैन, एक तो उसको पता नहीं क्या मजा आता है, इतनी ज्यादा पार्टियां करता रहता है ये। अरे अरे तुम अंदर नहीं आ सकते, निकलो यहां से। अबे आवाज कहां से आ रही है? अरे विक्की मैं लगता है कोई आ गया। अरे कौन आया यार, ये किससे लड़ रहे? अरे यार बाहर निकलो, हमारे बॉस तुमको मारेंगे। अरे क्या हुआ, कौन है? अरे बॉस ये देखो ना, पता नहीं कौन आ गया, हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। एक सेकंड, ये तो पुलिस वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो ना फ्रैंकलिन? हाँ मैं हूँ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जल्दी से घर खाली करो। क्यों मैं ही खाली करूं? फ्रैंकलिन जल्दी खाली करो, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अरे काय का ऑर्डर है, मैंने क्या किया? अरे बस खाली करो, मैंने बता। अरे मैं क्यों करूं? ए ब्रू हमको पार्टी करनी है, खाली करो। पार्टी करनी है मेरे घर में, क्यों पार्टी कर रही है? अरे अरे हमें नहीं पता, जल्दी खाली करो, पुलिस वाले। अरे पुलिस वाले तो क्या हो गया, मेरा घर ले लोगे क्या? ले लेंगे, अगर खाली नहीं करोगे तो साथ में गुंडे भी लेके आए, तुमको मारेंगे। क्या मारेंगे? अरे बचाओ मेरे को। अरे क्यों मार रहे हो मेरे को? इतना कौन मारता है? अरे विक्की मैं क्या करेंगे? अरे मुझे क्या पता, इन पुलिस वालों ने तो मुझे ही बार बार के मेरे ही घर के बाहर पटक दिया शिनचैन। अरे विक्की मैं कुछ तो करना पड़ेगा। अबे मुझे क्या पता यार शिनचैन, बहुत दर्द हो रहा है। अरे विक्की मैं तो रेंज रोवर आ रही है। अबे ये कौन आ रहा है शिनचैन? अरे विक्की मैं तो इधर ही रुक रहा है। अरे भाई साहब आप कौन हो? अरे इतने सारे जने कहाँ से गए? कैसे हो फ्रैंकलिन, मुझे पता चला है तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल दिया, कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है क्या मतलब है, मेरे घर से निकाल दोगे तो अच्छा दोनों लगेगा। हाँ तो फ्रैंकलिन मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्या तुम कमाना चाहते 100 मिलियन डॉलर्स? क्या 100 मिलियन डॉलर्स? हाँ कमाने कमाने, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। पूछ तो लोग। अबे क्या पूछना, आ जाओ अंकल बैठे बैठे 100 मिलियन कमाते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। हाँ बताओ बताओ। इधर नहीं मेरे प्लानिंग रूम चलो, हम 100 मिलियन डॉलर्स चुराएंगे। क्या चुराएंगे? चलो चलो मजे आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके अंकल, कहाँ पे चलना है? अरे मेरा सीक्रेट पार्किंग है, इसके अंदर ले लो। अच्छा ठीक है तो कहे सर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये क्या, ये तो गेमिंग सेंटर है, आप मुझे गेम खेलने आए हो? अरे नहीं नहीं गेमिंग सेंटर के अंदर है असली गेम। अच्छा ठीक है चलो 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 सामने आगे जाके राइट। हाँ ठीक है तो कहे सर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये आपका ऑफिस है क्या, इतना गंदा ऑफिस, आप कहाँ से 100 मिलियन चुराओगे? बच्चे ये कोई ऑफिस नहीं है, ये है ऑफिस। क्या ये तो खेलने की चीज है। नहीं नहीं बच्चे ये खेलने की चीज नहीं है, इसमें सिक्का डालो। अरे अंकल एक ही सिक्का है। अरे डालो डालो। हाँ ठीक है डाल दिया, एक ही सिक्का बता दो। ये क्या हो गया, मैजिक? अरे क्या जादू करोगे? अरे बच्चे चलो चलो अंदर है सीक्रेट प्लानिंग रूम। क्या सीक्रेट प्लानिंग रूम, चलो चलो अंदर चलते। अरे गाइस हम कहीं तो खतरनाक जगह पे आ चुके, और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितने सारे कंप्यूटर और मैकेनिक की चीजें और भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें। ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा कोई रूम लग रहा है, और सामने पूरा प्लानिंग बोर्ड भी है। बच्चे जल्दी से पूरा प्लानिंग बोर्ड पढ़ लो। पढ़ लो? अंकल आप बता दो ना, मुझे पढ़ाई नहीं करी। अरे फिगी भी क्या चल रहा है? अबे शिनचैन पता नहीं। अरे गाइस यहाँ पे देखो वेपन्स है, हैकिंग डिवाइस और व्हीकल्स, और ये सब क्या चीजें? बच्चे इन सब चीजों का मैंने इंतजाम कर लिया है, हम करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक रॉबरी, एक कैसीनो के अंदर रॉबरी। क्या कैसीनो के अंदर? बच्चे क्या तुम तैयार हो रॉबरी करने के लिए? तैयार तो मैं, ऊपर मुझे करना क्या है? वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, जल्दी से कपड़े चेंज करो और ट्रक में बैठ जाओ। कपड़े? कपड़े तो मैं लाया नहीं। अरे बच्चे मेरे पास बहुत कपड़े, पहन लो। मेरी बात सुनो, सीधा डायमंड कैसीनो इस ट्रक को लेके घुस जाना पीछे वाले रास्ते से। ओके लेके चलता हूँ। तो गाइस इस वाले ट्रक को हमको लेके जाना है डायमंड कैसीनो, फटाफट से इसको लेके चलते। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बता देना। और गाइस अभी हम घुसने वाले डायमंड कैसीनो के अंदर। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके, किसी को पता नहीं चला है। और गाइस इनको लग रहा है कि यार यहाँ का मैं मतलब सर्विस वाला काम करने वाला हूँ, पर इनको नहीं पता मैं एक चोर हूँ। चलो गाइस यहाँ फटाफट सिक्योरिटी चेकिंग कराते हैं। हाँ अंकल मैं इधर ही काम करता हूँ। अरे मैं तो रोज आता हूँ, आपने तो देखा ही होगा। हाँ ठीक है तो गाइस अभी सामने गेट खुल चुका है और मैं डायमंड कैसीनो की पार्किंग में आ चुका हूँ। फटाफट से अपने ट्रक को यहाँ पे खड़ा करते हैं और गाइस यहाँ पे उतर जाते हैं। अरे लाइट को ढंग से ठीक करके जाना। हाँ मैं ढंग से ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो गाइस फटाफट इस लिफ्ट के अंदर घुसते हैं और सीधा हम जाएंगे रॉबरी करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, अगर यहाँ पे कैमरा ने सुन लिया तो मेरी तो 12 बज जाएगी। चलो गाइस अभी इस वाले फ्लोर पे आ चुके हैं जहाँ पे सारा
सारा सारा पैसा और गोल्ड डायमंड सबका सब रखा जाता है। तो गाइस फटाफट से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सामने बहुत सारे जने खड़े, इनको बिल्कुल भी लगना चाहिए कि मैं मतलब कुछ चोर वोर हूँ, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो गाइस अब हम यहाँ पे भी आ चुके हैं, यहाँ पे अंदर जाने के लिए हमें की कार्ड लगाना पड़ेगा जो कि मैं करने वाला हूँ हैक। और गाइस मैंने यहाँ पे हैक कर लिया इसको, और गाइस अब ये गेट भी खुलने वाला है बस, और ये गेट खुल चुका है। तो गाइस हैक बिल्कुल सक्सेसफुली हमने कर लिया, चलो फटाफट से इसके अंदर घुसते हैं। और गाइस अब हम इधर अंदर घुसने वाले हैं और उसके बाद हमें दिखाई देगा पैसा, गोल्ड, डायमंड और बहुत सारी चीजें। हेलो अंकल, फटाफट से गेट खोलते। अरे तुम आज बहुत ही लेट आए हो, अगली बार से लेट आए तो मैं तो घर चले जाएगा, कोई तुमको गेट नहीं खोल के देगा, इस गेट का पासवर्ड सिर्फ मुझे ही पता है। अरे सॉरी सॉरी अंकल, थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी जल्दी बस एक बार गेट खोलते फिर इसकी मैं 12 बजा दूंगा। हाँ अंकल गेट खोलो। अरे अंकल वो देखना क्या है। अरे क्या है ये लो। तो कहा सर अभी मैंने इस अंकल को मार दिया और हमारा स्वागत हो चुका है इस डायमंड कैसीनो के लॉकर के अंदर। तो कहा सर अभी देख लो यहाँ पे कितनी सारी चीजें पड़ी है, सामने मुझे बहुत सारा पैसा दिख रहा है। चलो कहा सर फटाफट से बैग में डालना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहा सर ये सारा का सारा पैसा मैं अपने बैग में डालने वाला हूँ और बहुत सारे डायमंड मिलेंगे उनको भी डालूंगा, गोल्ड को भी डालूंगा और यहाँ पे मुझे पता चले महंगी महंगी पेंटिंग्स भी है। तो कहा सर उनको भी अपने बैग में डालने वाले हैं, पहले तो फटाफट से सारा का सारा कैश जितना पड़ा है ये सारा का सारा अपने बैग में डाल लेते हैं। तो ये हो चुका है खत्म, और भी देखते हैं क्या क्या मुझे मिलने वाला है। और कहा सर यहाँ पे अंदर जाने के लिए मुझे इसको हैक करना पड़ेगा, तो फटाफट इसके डोंगल लगा लेते हैं और अपने फोन से इसको हैक करेंगे। तो कहा सर फटाफट इसको हैक करना शुरू करते हैं। और गाइस ये शुरू हो चुका है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट को हैक करना है, चलो इसको कर देता हूँ। और गाइस अभी हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और सामने पेंटिंग देख सकते हो। गाइस ये पेंटिंग सही में बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, तो इनको बिल्कुल ढंग से काटना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर काट दिया तो ये सस्ती हो जाएगी, पर हमें महंगी महंगी चीजें चाहिए। तो फटाफट इसको बिल्कुल ढंग से काटेंगे और ये बिल्कुल थोड़ा सा और बचा है इसको भी काट देते हैं। और गाइस इस पेंटिंग को भी डाल लेते हैं अपने बैग में। तो गाइस ऐसे हम और भी बहुत सारी पेंटिंग्स लेंगे, और यहाँ पे एक और पेंटिंग है जो कि यार $1,000,000 की है। तो गाइस सोचो कि पेपर में एक चीज बनी हुई है वो $1,000,000 की कितनी ज्यादा महंगी है। तो फटाफट इसको भी अपन काट लेते हैं यहाँ से और इसको भी फटाफट अपने बैग में डाल लेंगे। और गाइस अभी हमने डायमंड लूटना चालू कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारे डायमंड डब्बों के अंदर है, इन सारे सारे डब्बों को हम लेके जाएंगे अपने घर पे, बहुत ज्यादा मजा आने वाले। चलो गाइस सारे के सारे डायमंड भी रख लिए और यहाँ पे इतना सारा कैश है उसको भी हम लूटने वाले। आते जाओ आते जाओ आते जाओ, सारा का सारा पैसा लूटूंगा, पूरे के पूरे डायमंड कैसीनो को कंगाल कर दूंगा। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो आपको अगर इतने सारे पैसे मिल जाए तो क्या क्या चीजें लोगे। मैं तो सबका सब ले लूंगा, बाइक कार प्लेन जो भी समझ में आएगा सबका सब ले लूंगा। और गाइस यहाँ पे हमें गोल्ड के बार्स भी मिल गए और मैंने ये भी लूटना शुरू कर दिया, सारे के सारे डालते जाऊंगा। वैसे मेरा बैग बहुत ज्यादा भारी हो गया पर कोई बात नहीं, इतना सारा पैसा मिलेगा तो भारी बैग भी संभाल लेंगे। चलो गाइस फटाफट से सारा का सारा गोल्ड इसमें डाल देते हैं। और गाइस यार ये हो चुका सबका सब खत्म, मैंने सबकी सब चीजें ले लिए, चलो यहाँ से निकलते हैं। निकलने से पहले एक पेंटिंग और चुरा ले तो मजा ही आ जाएगा। चलो गाइस इस पेंटिंग को अभी मैंने डाल लिया है और थोड़ा गोल्ड बच गया तो इसको भी ले लेते हैं। अब क्या करूं यार, इतना सारा गोल्ड पैसा डायमंड सबका सब दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सबका सब ले लेते हैं। तो गाइस फटाफट से इन सारे सारे गोल्ड को मैं डाल लेता हूँ, इसके बाद पक्का मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, पक्का कुछ भी सोचूंगा यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। चलो गाइस बाहर जाने का टाइम हो चुका, पूरा का पूरा यार डायमंड कैसीनो हमने लूट लिया, इनको पता चलेगा ना जब मैंने लूट लिया तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, पर अभी नहीं बदलना चाहिए, अभी हमें यहाँ से पहले निकलना पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से यहाँ पे निकलते हैं। कैमरा सामने यार पहले डीएक्टिवेट कर दिए, अभी सारे कैमरा एक्टिव भी हो चुके हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चला चाहिए। हेलो अंकल मैंने लाइट ठीक कर दी है। ओके ओके बाथरूम की लाइट भी ठीक कर देना। हाँ हाँ मैं कर दूंगा कर दूंगा। चलो गाइस फटाफट चलते हैं, रुको मुझे बाथरूम जाना चाहिए, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है, वहां पे मैं कपड़े चेंज करूंगा। चलो गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला आइडिया है, फटाफट से बाथरूम की तरफ चलते हैं जो कि इधर। चलो गाइस फटाफट चलते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा और यहाँ पे कपड़े चेंज करूंगा। चलो गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली है, अब तो इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली, पुलिस से तो कोई कौन ही कुछ पूछने वाला है। चलो गाइस अभी बारी आ चुकी है यहाँ से निकलने की। और गाइस यहाँ पे कितनी सारी सिक्योरिटी है, सामने बहुत सारे कैमरा वैमरास लगे हैं पर इनको नहीं पता चलने वाला, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो गाइस एग्जिट पे आ गए, चलो यहाँ से बाहर भागते हैं। और गाइस मैं अभी बाहर भी आ चुका हूँ और एक गाइस मैंने पूरा कर दिया, नहीं 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 सामने और भी पुलिस वाले खड़े, अगर गाइस उन्होंने मुझे देख लिया कि मैंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी है तो मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई पुलिस वाला दिखने वाला है ही नहीं, मैं ही हूँ। तो गाइस एक काम करता हूँ यहाँ से ही निकल जाता हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ से बाहर भाग चुके हैं, मैंने शिनचैन को फोन कर दिया, वो मुझे लेने आता ही होगा, हमारी चोरी बस सक्सेसफुल होने वाली है, बस एक बार यहाँ से निकल जाओ। चल चल शिनचैन भागे भागे। एनीवे कि मैं सबसे फास्टेस्ट कार लेके आया हूँ। हाँ शिनचैन बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अभी शिनचैन हमारे मस्ती कार लेके आ चुका, जिस समय यहाँ से फोन एकदम से गायब हो जाएंगे। चलो गाइस हम निकल चुके डायमंड कैसीनो से और सीधा जाते हैं इन डायमंड्स की डिलीवरी करते हैं, इसके बदले हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। चलो गाइस फटाफट चलते हैं उन अंकल
के पास जिन्होंने हमें ये प्लान बताया था उनको सारे के सारे डायमंड दे देंगे। अरे फेकी मैं, अब तुम्हारे मजे हो जाएंगे। अरे आशिंचन मजे हो जाएंगे। तो कैसर अब ये वहां पे आ चुके जहां पे हमें डिलीवरी करनी थी और यहाँ पे बस वो आने वाले होंगे। चलो फटाफट से यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये लो अंकल आपके सारे के सारे। अरे बहुत ही बढ़िया फ्रैंकलिन, ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू। तो कैसर अभी हमने इनसे पैसे ले लिए और हमें मिल चुके हैं बहुत सारे पैसे और अभी हम जाने वाले सीधा अपने घर पे। अरे फेकी अब तो मजे हो गए। अरे आशिंचन बहुत ही ज्यादा मजे हो गए। तो कैसर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार फटाफट से। क्या सोच रहे हो, अब तुमने पूरी चोरी भी कर ली कंप्लीट और हमें इतने सारे पैसे भी मिल चुके हैं। तो कहा सर इतने सारे डायमंड मिले थे, उसमें से मैंने डायमंड निकाल लिए थे और उससे बनवा लिए मैंने पूरी पूरी डायमंड वाली कार। और कहा सर अब हम पुराने वाले घर में घुसने वाले, इन पुलिस वालों ने हमें भगाया था ना, इस बार हम भगाएंगे। और कहा सर मैं अपने साथ बहुत सारी चीजें भी लेके आया, अभी आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अभी कहा सर पहले हर जगह इसको फेंक देते हैं। अरे फेंकी मैं उनके मुंह में फेंकूं? अरे हाँ उनके मुंह पे भी फेंकूंगा, उनके पैरों में फेंकूंगा, हर जगह फेंक दूंगा। कहा सर ये वाला घर मुझे चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं इस पूरे घर को ब्लास्ट करने वाला हूँ। कैसे अभी बताता हूँ। तो कहा सर अभी हर जगह मैंने बॉम्ब रखा दिए, इनको फटाफट से फोड़ने वाला। 3, 2, 1 को। और कहा सर ब्लास्ट होना शुरू हो चुका है। अरे देखिए मैं सबको उड़ा दो। अरे शिनचैन सबको उड़ा दिया। तो कहा सर आप देखते हो अंदर पूरी पूरी आग लग चुकी है, सभी के सभी जने मर चुके। जिन पुलिस वालों ने मुझे मारा था, जिन गुंडों ने मुझे मारा था, उनको मैंने जला दिया, फोड़ दिया, मजा आ गया। तो कहा सर अभी आप सोच रहे हो ये वाला घर तो हमने फोड़ दिया, अब हम रहेंगे कहां पे? तो हम रहने वाले हैं पानी में, मेरा मतलब है इस बोट पे, मेरा मतलब इस यॉट पे। तो कहा सर हमने यहाँ पे एक यॉट खरीद लिया पानी के बीचों बीच। यार रोडों पे तो यार कोई भी पुलिस वाला आके कोई भी गुंडा आके हमको मार लेगा, पर पानी में कौन आएगा? हमको कोई दूर से आता हुआ देखा तो उसको सीधा गोली मार देंगे। तो कहा सर आप सबका स्वागत है हमारे पानी में चलने वाली यॉट पे, मेरा मतलब पानी में चलती यॉट। तो कहा सर आप सोच रहे हो यॉट पे कैसे रह लोगे, कोई अच्छी तो ना होती है, पर ये वाली यॉट सही में बहुत ही ज्यादा अलग है। क्योंकि कहा सर इसमें है बहुत ही तगड़े तगड़े रूम्स, मतलब यार मेरे वाले घर से भी अच्छे अच्छे रूम है। आप देख दो भाई कितने सारे रूम है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये पहला रूम, ये दूसरा रूम और ये तीसरा रूम और यहाँ पे चौथा पांचवा, बहुत सारे रूम्स है और यहाँ पे टोटल 15 रूम्स है जहाँ पे हम रह सकते हैं। और रहने वाले कितने? सिर्फ 2, शिनचैन और मैं। और कहा सर ये पूरा का पूरा पार्टी एरिया, यहाँ पे फुल मजे कर सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं और ये बाहर जाने का रास्ता, सामने पानी का व्यू क्या ही मस्त आता है, ओशन व्यू मुझे वैसे ही बहुत ही खतरनाक है। तो कहा सर ये वो कमरा है जहाँ से ये पूरी पूरी यॉट चलती है। और कहा सर ये है पूरे पूरे वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे हमारा इंडिया। तो कहा सर इस यॉट को हम लेके जा रहे हैं इंडिया आपसे मिलने। तो कहा सर अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट में बताना, आपके घर पे आऊंगा सीधा, इस यॉट को हम घुमाने वाले इंडिया की तरह और आपसे मिलेंगे सीधा इंडिया में। तो कहा सर आज की वीडियो बताइए, अगर आपको आज वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब कर देना, पता रखने के लिए वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और कहा सर इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में वहां पर जरा फॉलो कर लेना। और कहा सर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और इंडिया में, तब तक के लिए बाय बाय।